देखो, कोशिशें मर्दा और कामयाबी देना खुदा की बात है। सबसे मेरा जो विश्वास है वो हमारे नेता के ऊपर है, और हमारे नेता ने जो 104 सिलेदार दिए इस महाराष्ट्र में लड़ने के लिए, तो हमारे नेता ने यही कहा है कि हमें सत्ता नहीं होना, हमें आवाज़ उठाने वाले लोग होना। और दिल में, जैसा मराठी में मैं बोलता एक शब्द, मनामध्ये आग आणि डोक्यात राग, तर राग हा फक्त जनतेचे जे हाल होत आहेत त्याबद्दलचा राग। ह्या दोन गोष्टी घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने राजसाहेबांनी मला उमेदवारी दिली, मी कडवा मनसैनिक आहे राजसाहेबांचा, आणि मी सतत राजसाहेबांच्या बरोबर आहे। पक्ष स्थापनेपासून मी राजसाहेबांच्या बरोबर आहे, आणि राजसाहेबांनी ही उमेदवारी मला दिली हे माझं मी भाग्य समजतो। हे तो मेरा तकदीर आहे कि ये जनता की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। और रही बात पक्ष की परफॉर्मेंस की, तो आप मीडिया वाले आप मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं बात को, लोगों के दिल में जो अंगार है वो अंगार का जो रिजल्ट है वो बताने का वक्त अभी नज़दीक आ गया है। लोगों के दिल में आ गए, लोग बोलते नहीं, लोग उनके काम में बहुत बिजी है, लोगों को रोज के शाम की खाने की पड़ी है, बहुत सारी जनता जो है अनपढ़ है, और बहुत सारी जनता जो है वो फंस जाती है, अभी तक फंस गई। आपको केंद्र सरकार के बारे में फंस गए, राज्य सरकार के बारे में फंस गए, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए नहीं है, पूरे गांव को शौचालय नहीं हुए, बेरोजगार रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं। एक भी अगर जामनेर शहर के अंदर, जामनेर तालुके के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने एक भी अगर छोकरे को नौकरी लगाई होंगी, मेरे सामने लाओ, मैं अभी मेरी मागार लेता हूँ इलेक्शन से, और मैं घर में जाके बैठा। राज्य सरकार ने एक भी बेरोजगार जवान हमारा लगाया नहीं, और केंद्र सरकार ने भी लगाया नहीं। बावजूद उसके बावजूद जो कंपनियां थे सेमी गवर्नमेंट कंपनियां, उसकी नौकरियां चली गई। और ये वक्त जो अभी आया है, ये ऐलान कर रहे राज साहब और लोगों को बता रहे हैं कि हमें सत्ता नहीं होना, हमें आवाज़ उठाने वाले लोग होना। और एक आवाज़ उठाने का काम मैं राज साहब के आदेश पे कर रहा हूँ, और जनता के सामने मैं जा रहा हूँ, और जनता के हाथ में है मेरा। मुझे चुन के आने का शौक नहीं है, मुझे आवाज़ उठाने का शौक है, और मैं हमेशा रास्ते पे हूँ और रास्ते पे ही रहूँगा। यही हमारी राज साहब का हमारा आदेश है। नहीं, राज साहब अकेले वन मैन आर्मी, और राज साहब ने बोला कि हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है हर घर में, हर यूट्यूब पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब राज साहब का प्रचार हो रहा है। और हमको ये नौबत नहीं आई, जो दूसरी पार्टियों ने गुजरात से यूपी से लोग मंगाए, ये नौबत मनसे के ऊपर नहीं आई, क्योंकि मनसे रस्ते पर की पार्टी है। मनसे को भाड़े से लाना ही नहीं पड़े, मनसे के दिल में अंगार है, लोगों को मालूम है। और मुझे जनता, महाराष्ट्र की जनता जो है, मराठी जनता, उनके ऊपर राज साहब का हमारा पूरा विश्वास है। एक दिन वो राज साहब के हाथ में ये पूरा महाराष्ट्र देंगे। और जब जब दिल्ली के ऊपर कुछ आया है और महाराष्ट्र उसने उसको साथ दिया है, ये महाराष्ट्र का इतिहास है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा देखो, आपको मालूम है ये जो इलेक्शन की डेट जब लग जाती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इनको पैसा लगता है, और पैसा इसीलिए लगता है एडवर्टाइज के लिए, उनको उनके चैनल चलाना है। लेकिन फिर भी तुम्हारे जैसे लोग हैं जो देश का सोचते हैं, समाज का सोचते हैं, वो लोग हमारी प्रसिद्धि करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है, उसका वीडियो बहुत चालू है, उसके पास लोड शेडिंग नहीं है, उसके कैमरे में हम कैद हो रहे हैं। हमको यही खुशी है, लोग समझते हैं उनका, उनके पास लोड शेडिंग, उनका हक नहीं होता था।
तो हम दिल साफ जब रहता है और नियत जब साफ रहती है तो कामयाबी देना उसके हाथ में है। मराठी मध्ये सांगायचं म्हटलं म्हणजे मनामध्ये आग है, डोक्यामध्ये राग है, म्हणून एक कडवट मनसे सैनिक म्हणून राज साहेबांच्या आदेशाने या विधानसभा मतदार संघात मी उमेदवारी घेतली। मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा है, एक डॉक्टर है, माझ्या शाळा पण आहेत, पण समाजाची सेवा करण्याची आवड असल्यामुळे राज साहेबांनी ते हेरलं, मला उमेदवारी दिली आणि मी रस्त्यावर आलो। हे जनता जनार्दनच्या हातात आहे आणि तरुण पिढी जे 37% तरुण आज राज साहेबांचे फॅन या मतदार संघात आहेत, त्या तरुणांनी जर आपल्या आईवडिलांना बहिणीला आजोबा आजीला सांगितलं तर मला असं वाटतं निश्चितच मनसेचा विजय निश्चित आहे। आम्ही स्पर्धेत नाही असं लोक जरी म्हणत असले, मीडिया जरी म्हणत असली, पण एक चमत्कार होणार या मतदार संघात, रिझल्ट चमत्कारिक लागणार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची महिला आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष आहे राज साहेबांनी, सन्माननीय राज साहेबांनी डॉक्टर कुलकर्णींना उमेदवारी दिली, ही कोणत्या बेसवर दिली? तर त्यांच्यामध्ये जी आग होती डॉक्टरांमध्ये आणि जो राग होता मनामध्ये तो त्यांना प्रदर्शित करायचा होता आणि लोकांना जनतेचे बरेचसे कामं आजपर्यंत डॉक्टर कुलकर्णींनी पण केले आहेत आणि मी सुद्धा माझ्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी मी भरपूर प्रयत्न करत असते, नेहमीच महिलांचे प्रश्न बरेच मांडत असते आणि अशा याच्यात राज साहेबांनी उमेदवारी दिल्यानंतर तो राग दुपटीने जोरात बाहेर आला आणि लोकांचा प्रतिसाद आम्हाला अतिशय उत्तम मिळतो आहे। खेड्याखेड्यात प्रत्येक गावात आम्ही जिथे जातो आहे तिथे आम्ही गेल्यानंतर आम्ही बघतो आहे की गडाचे लोक आहेत ते अगदी बिंदास्त बाहेर येत आहे आणि आम्हाला साथ देत आहे। तसंच जे राज साहेबांकडे जे प्रश्न घेऊन जातात म्हणजे जे सामान्य जनता ज्यांचे प्रश्न अडतात आणि ते वेळोवेळी राज साहेब अगदी त्या प्रश्नांना मार्गी लावतात, अगदी ते प्रश्न मार्गी लावल्यासारखे हे करतात, त्याचप्रमाणे डॉक्टर कुलकर्णीसुद्धा वेळोवेळी बऱ्याच लोकांचे प्रश्न मार्गी लावतात, त्यामुळेच लोकांनी विश्वासाने आता लोक त्यांच्या मागे आहेत आणि मला तर खात्री आहेच पण आमच्या मनसैनिकांना पण खात्री आहे की डॉक्टर कुलकर्णींना नक्कीच चांगले मताधिक्य मिळेल आणि ते काही सांगता येत नाही विजयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचतील सुद्धा।